अगर आप एक गेमर है और आपको बजट लगभग 70,000 से 80,000 रुपए है और आपको बेस्ट लैपटॉप खरीदना है इंडियन मार्केट में जो अवेलेबल है अभी के हिसाब से, जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहे गेमिंग के लिए, साथ साथ में एडिटिंग के लिए, ऑटो कैड प्रोग्रामिंग, हर एक चीज के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो। ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो में आपसे बेस्ट 5 लैपटॉप शेयर करने वाले हैं जो इस बजट में आते हैं और सबसे बेस्ट भी रहेंगे आपके लिए इन लॉन्ग रन। क्योंकि लैपटॉप लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने लैप ही ले लिया और सब कुछ ठीक है। रिसेंटली मैंने एक लैपटॉप परचेज किया था, काफी महंगा, बट उसका मदरबोर्ड खराब हो गया। पता चला कि मदरबोर्ड ठीक कराने के लिए 60,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपके साथ ना हो, उसी वजह से ये वीडियो हम आप लोगों के लिए सामने लेके आए हैं। क्योंकि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, उस प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने से हमें फर्क पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत चौधरी, वेलकम टू द प्रोडक्ट बाजार, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। लैपटॉप लेने से पहले भाई कुछ चीजें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक बेहतरीन ग्राफिक प्रोसेसर होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन काम उसी का होता है। साथ साथ में अच्छा मदरबोर्ड और बेस्ट प्रोसेसर भी आपको चाहिए, जिसकी क्लॉक स्पीड काफी अच्छी हो, आपको लैगिंग फील ना हो, और कभी कभार अगर ओवरक्लॉकिंग करानी पड़ जाए तो आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। चिंता मत कीजिए, वही लैपटॉप हम आप लोगों के लिए इस लिस्ट में लेके आए हैं। कुछ बेसिक क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा हुआ है हर एक लैपटॉप का, तो वो बेसिक क्राइटेरिया अगर क्रॉस होता है तो ही हम आपको जो है लैपटॉप सजेस्ट करेंगे। जो बेसिक क्राइटेरिया है वो अभी आप अपने सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर नंबर 5 पर हमारी तरफ से आता है HP Pavilion का गेमिंग लैपटॉप। भाई बहुत बेहतरीन लैपटॉप है, i5 10th जनरेशन प्रोसेसर आपको इस लैपटॉप में मिलता है 4.5 GHz की टर्बो क्लॉक स्पीड के साथ में। विंडो 10 होम प्लस MS ऑफिस का लाइफ टाइम सपोर्ट तो आपको मिल ही जाएगा। फुल HD 15.6 इंच फुल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप के साथ में मिलती है। 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आपको ये लैपटॉप मिलता है। 8GB रैम आपको इस लैपटॉप में मिलती है, जो कि अपग्रेडेबल है अप टू 32GB। 512GB की आपको SSD मिलती है इस लैपटॉप में, जिसमें आपको 32GB इंटेल ऑप्टेन मेमोरी मिलती है, विच गिव्स यू बोस लेवल स्पीड। GPU और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करें तो इस लैपटॉप में आपको मिलता है GeForce NVIDIA का GTX 1650 Ti का ग्राफिक प्रोसेसर। भाई बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है, किसी तरीके की भी आपको गेमिंग करनी है तो आप इसमें कर सकते हो। हाँ, ये चीज जरूरी है, जितने भी लैपटॉप मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये कैजुअल गेमर्स के लिए, ये टफ गेमर्स के लिए नहीं है। मतलब आप अगर आप 8-8, 10-10 घंटे लगातार आप अपने लैपटॉप में गेम खेलोगे तो ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है। दिस लैपटॉप आज जस्ट फॉर कैजुअल गेमिंग, मतलब 3-4 घंटे गेम खेल लिया या ठीक है 5 घंटे गेम खेल लिया, इसके अलावा आप और भी काम करते हो, एडिटिंग करते हो, ऑटो कैड करते हो या प्रोग्रामिंग करते हो, कोई भी काम करते हो, बेस्ट लैपटॉप इस रेंज में है। अगर आपको टफ गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो उसके लिए आपको रेंज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, और उसके लिए वीडियो हम कुछ दिन बाद में आपके इस चैनल पर लेकर आ जाएंगे। इस लैपटॉप में आपको इनहेंस डुअल थर्मल कूलिंग सोल्यूशन की टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे आपका लैपटॉप जो है काफी जल्दी ठंडा हो जाता है। क्योंकि इन लैपटॉप्स को जब हम गेमिंग करते हैं, कोई एडिटिंग करते हैं, हैवी हाई एंड काम करते हैं, तो चार्जिंग पे लगाया करना पड़ता है, तो इनका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके लिए ड्यूअल थर्मल सॉल्यूशन या ड्यूअल फैन होने बहुत जरूरी है। तो वो चीज आपको इस लैपटॉप में मिल जाती है। सारे फीचर्स, सारी कनेक्टिविटी तो आपको इस लैपटॉप में मिली जाएगी। 4-5 आवर्स का जो आपको बैटरी बैकअप मिलता है इस लैपटॉप में, 1 साल की इंटरनेशनल वारंटी मिलती है। 2.3 kg का ये लैपटॉप है। अगर बात करें प्राइस की तो आज की डेट में लगभग 69,000 का ये लैपटॉप आपको पड़ेगा। और 5th लिस्ट में आता है हमारी तरफ से, अगर इस लैपटॉप का आप या किसी भी लैपटॉप को परचेज करना चाहते हो तो हर एक लैपटॉप का लिंक जो है आपको अमेज़न का या फ्लिपकार्ट का, जहां पर भी अवेलेबल होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 4th नंबर पर आता है भाई Acer Nitro 5। भाई Acer के लैपटॉप बहुत अच्छे होते हैं, काफी अच्छी रेटिंग्स हैं, काफी अच्छे रिव्यूज जैसे कि हमने पढ़े हैं इस वीडियो को बनाने से पहले, तो ये काफी रिकमेंडेड प्रोडक्ट हम यहां पर आपको बोलेंगे। इस लैपटॉप का प्राइस की बात करें तो इस लैपटॉप का प्राइस आपको 75,000 के करीब पड़ता है। प्रोसेसर की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको i5 10th जनरेशन प्रोसेसर मिलता है, जिसकी टर्बो क्लॉक स्पीड अप टू 4.5 GHz, फुल HD 15.6 इंच की आपको IPS डिस्प्ले इस लैपटॉप के साथ में मिलती है। साथ साथ में 8GB रैम मिलती है, विच इज अपग्रेडेबल अप टू 32GB। 1TB की हार्ड डिस्क 7200 RPM पे तो आपको इस लैपटॉप में मिलती है। साथ साथ में इस लैपटॉप में आपको 256GB की SSD भी मिलती है, विच गिव्स यू मैसिव स्पीड। GPU की बात करें तो इस लैपटॉप में भी आपको 4GB NVIDIA GeForce का 1650 Ti GPU मिलता है, जो कि काफी अच्छा GPU है, और काफी सारे या काफी हैवी गेमिंग एडिटिंग वगैरह आप इन लैपटॉप में इजीली कर पाओगे। और अगर बात करें 1650 की और 1650 Ti की, तो 1650 Ti is much better than 1650, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। बाकी इस लैपटॉप में आपको DTS Ultra Audio जो है मिलती है, ऑप्टिमाइज बेस के साथ में लाउडनेस भी काफी अच्छी मिलती है। सारी कनेक्टिविटी और सारे फीचर्स आपको इस लैपटॉप में मिल जाएंगे। 1 मंथ का Xbox Pass सब्सक्रिप्शन भी आपको जो है इस लैपटॉप के साथ में मिल जाता है। लगभग 4-5 घंटे की बैटरी बैकअप है। 2.2 kg का ये जो है लैपटॉप आपको अवेलेबल मिलता है, और 1 साल की इंटरनेशनल वारंटी आपको इस प्रोडक्ट पर मिल जाती है। इस प्रोडक्ट का लिंक भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ साथ में 15 महीनों का McAfee एंटीवायरस का सब्सक्रिप्शन भी आपको इस लैपटॉप के साथ में मिल जाता है। और प्राइस की बात करें तो भाई लगभग 70,000 रुपए का प्राइस है इस लैपटॉप का आज की डेट में। नीचे लिंक दे रखे हैं, अगर आपसे कुछ टाइम बाद में आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कुछ प्राइस कम हो जाए या ज्यादा हो जाए,
सेल होगी तो कम होगा, वरना डेफिनेटली ज्यादा ही होगा, क्योंकि इन चीजों के प्राइसेस आजकल बढ़ ही रहे हैं। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पर हमारी तरफ से आता है डेल का लैपटॉप। भाई डेल के लैपटॉप काफी बढ़िया होते हैं। सबसे पहला जो मेरा लैपटॉप था, मेरे भी डेल का लैपटॉप था, खूब सारा चला, हालांकि वो इसी स्पेसिफिकेशन का नहीं था, बट मेरी फीडबैक काफी बढ़िया रही। सर्विस रिलेटेड मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम उस लैपटॉप में नहीं आई है। इस लैपटॉप का नाम है भाई डेल G3 3500 गेमिंग लैपटॉप। इस लैपटॉप में आपको इंटेल कोर i5 10th generation प्रोसेसर मिलता है, जिसमें आपको टर्बो क्लॉक स्पीड मिलती है अप टू 4.5 GHz की। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको साथ साथ में मिलता ही है, बट फुल HD 15.6 इंच की एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप के साथ में मिलती है। रिफ्रेश रेट काफी अच्छा मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस लैपटॉप में मिलता है। और GPU वही सेम रहने वाला है, 4GB NVIDIA का GTX 1650 Ti, बहुत ही बेहतरीन, काफी अच्छे रिव्यूज फीडबैक है इस ग्राफिक प्रोसेसर की अगर हम अलग से बात करें तो। स्टोरेज की बात करें तो इस लैपटॉप में अपने को 1TB की हार्ड डिस्क मिलती है, प्लस 256GB की SSD मिलती है, विच गिव यू फास्टर परफॉर्मेंस। बाकी इस लैपटॉप में आपको गेमिंग बोर्ड भी मिलता है, जो आपकी परफॉर्मेंस, गेमिंग की परफॉर्मेंस को इनहेंस कर देता है। साथ साथ में आपको इस लैपटॉप में फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है, प्लस 15 मंथ का मैकफी एंटीवायरस का सब्सक्रिप्शन भी आपको इस लैपटॉप के साथ साथ में मिलता है। एक साल की इंटरनेशनल वारंटी कंपनी जो है इस लैपटॉप पे क्लेम करेगी साथ साथ में, और बैटरी बैकअप क्लेम करती है भाई 4 to 5 hours का। कभी कंपनी के दिए गए बैटरी बैकअप पे मत जाओ, थोड़ा बहुत कम ही मिलेगा, 4 to 5 घंटे का कंपनी बोल रही है, तो 3 to 4 घंटे आप मान के चलो। और जब गेमिंग करोगे तब तो वैसे भी आपको चार्जिंग में लगा के खेलना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस उस लैपटॉप मिल पाएगी। बाकी वेट इस लैपटॉप का लगभग 2.3 kg है, प्राइस लगभग 75 के आसपास है आज की डेट में, काफी बढ़िया लैपटॉप है। तीसरे नंबर पर था हमारी लिस्ट में ये। अगर इस लैपटॉप को किसी और को भी खरीदना चाहते हो तो सभी के लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो लैपटॉप हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो है भाई Lenovo IdeaPad 3। मॉडल नेम वगैरह बहुत लंबे होते हैं तो वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट ये लैपटॉप बहुत शानदार है भाई, बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप की रिव्यूज और रेटिंग है, जैसे कि आप अभी अपने डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। काफी अच्छे फीचर्स के साथ में तो आपको ये लैपटॉप मिलता है। जो लुक है इस लैपटॉप का वो भी काफी बढ़िया है। इस लैपटॉप में आपको इंटेल कोर i5 10th generation प्रोसेसर मिलता है, जिसकी टर्बो क्लॉक स्पीड अप टू 4.5 GHz है। वही फुल HD 15.6 इंच की एंटी ग्लेयर डिस्प्ले अपने को मिलती है 60 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में। रैम की बात करें तो भाई 8GB रैम मिलती है, एक्सपेंडेबल अप टू 16GB आप और रैम एक्सपेंड करा सकते हैं, मेमोरी भी एक्सटेंड करा सकते हैं अगर आप इन फ्यूचर चाहें तो। बाकी रैम वगैरह तो अपग्रेड करा सकते हो भाई, आप हार्ड डिस्क SSD भी अपग्रेड करा सकते हो, बट आप GPU कभी भी अपग्रेड नहीं करा सकते हो। तो GPU का बहुत ध्यान रखना चाहिए कोई भी लैपटॉप लेने से पहले, और इसी वजह से इस लैपटॉप में मिलता है आपको 4GB का NVIDIA GTX 1650 का ग्राफिक प्रोसेसर, काफी बेहतरीन जो है ग्राफिक प्रोसेसर आपको इस लैपटॉप में भी मिल जाता है। स्टोरेज की बात करें तो 1TB की तो हार्ड डिस्क मिलती है आपको 7200 RPM पे, साथ साथ में 256GB की SSD भी मिल जाती है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस है काफी अच्छी हो जाती है। स्पेशलिटी ये है इस लैपटॉप की, इस लैपटॉप में आपको ड्यूल फैन और वेंट मोड मिलते हैं, मतलब कूलिंग फीचर काफी अच्छा जो है आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगा, और मेन कूलिंग फीचर ही होता है, क्योंकि GPU तो अपना काम कर देगा बट वो इतना हीटअप हो जाएगा कि उसकी पूरी परफॉर्मेंस आपको मिल ही नहीं पाएगी। ड्यूल फैन और वेंट होने की वजह से कूलिंग के लिए काफी बेटर प्रोडक्ट है भाई ये, मतलब हीटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा आपको इस लैपटॉप में बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। एक और खास बात है कि भाई बैटरी बैकअप इस लैपटॉप का बहुत ज्यादा है, 5 to 6 घंटे है, तो मतलब लगभग 5 घंटे आप मान के चलो, और 80% चार्ज हो जाता है 1 घंटे में, मतलब रैपिड चार्जिंग का फीचर आपको इस लैपटॉप में मिलता है, तो ये काफी बढ़िया चीज है। साथ साथ में 1 month का Xbox का गेमिंग सब्सक्रिप्शन भी आपको इस लैपटॉप के साथ में अवेलेबल मिल जाता है। 1 year की इंटरनेशनल वारंटी आपको इस लैपटॉप में मिलती है, और 2.2 kg का जो है इस लैपटॉप का वेट है। और आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 79,000 rupees का इस लैपटॉप का प्राइस है। अगर आप आने वाले टाइम में देख रहे हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, सेल आने वाली, अगर आप सेल के टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर जो है लिंक पे क्लिक करके चेक करें, क्या पता प्राइस में डिस्काउंट आपको मिल जाए। अब भाई जो फर्स्ट और लास्ट लैपटॉप जो हमारी तरफ से है वो सेम कंपनी से है जिस कंपनी का मेरा लैपटॉप है। जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है कि मेरे पास MSI का लैपटॉप है, और भाई फर्स्ट नंबर पर हम आपको MSI का ही लैपटॉप यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप का मतलब सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस ये सारी चीजें नहीं होता, ये सारी चीजें तो आपको लैपटॉप में मिली जाएगी, सर्विस क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड है उन्हें पता है कि जब मैंने MSI का लैपटॉप लिया था अब से कुछ दिन पहले उसमें से धुआं उठ गया एकदम से, तो मैं घबरा गया कि यार क्या हुआ। जब मैंने पता करा तो मेरे को पता चला कि भाई 60,000 का तो मेरे को मदरबोर्ड डलवाना पड़ेगा अपने जो है लैपटॉप में, तो मैं एकदम से पैनिक कर गया कि यार 60,000 रुपए का मदरबोर्ड क्या मतलब है। तो जैसे कि वो प्रोडक्ट वारंटी में था सिर्फ 5-6 महीने हुए थे, तो भाई थैंकफुली MSI ने उस प्रोडक्ट पे वारंटी क्लेम की और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस लैपटॉप को रिपेयर करके नया मदरबोर्ड लगा के देंगे। हालांकि अभी के टाइम पे मदरबोर्ड अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, इसी वजह से मुझे जो ये PC आपके पीछे रखा है इसको परचेज करना पड़ा। तो बेसिकली बात क्या है कि भाई सर्विस भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, MSI के लैपटॉप की परफॉर्मेंस आपको बहुत बेहतरीन मिलेगी, क्योंकि मैं खुद एक MSI का यूजर हूं, बहुत अल्टीमेट फीचर मिलेगा। हीटिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है बट उसके लिए जो है आपको कूलिंग फीचर मिलता है, कूलर बूस्टर मोड मिलता है, बहुत सारे मोड्स आपको MSI के जो है लैपटॉप्स में मिलते हैं।
प्रोसेसर भी भाई बहुत बढ़िया होता है MSI के लैपटॉप में। अगर बात करें इस लैपटॉप का, इस लैपटॉप में बाकी के लैपटॉप में आपको i5 प्रोसेसर मिलते रहते, इस लैपटॉप में आपको i7 प्रोसेसर मिलता है, दैट 10th जनरेशन, जिसकी टर्बो क्लॉक स्पीड होती है अप टू 5 GHz। मतलब इस लिस्ट में सबसे ज्यादा क्लॉक स्पीड के साथ में सबसे बेहतरीन प्रोसेसर के साथ में यही लैपटॉप है। विंडो 10 की लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ में आपको ये लैपटॉप मिलता है। 17.3 इंच जो है इस लैपटॉप का साइज है, और इसी के साथ में ये लैपटॉप बन जाता है इस लिस्ट में अब तक की सबसे बड़ी डिस्प्ले और सबसे बेहतरीन फीचर देने वाला लैपटॉप। इस लैपटॉप में भी आपको सेम 8GB रैम मिल जाएगी, बट अपग्रेडेबल है अप टू 64GB, मतलब 64GB तक की रैम अपने इस लैपटॉप में चला सकते हो। स्टोरेज की बात करें तो भाई 512GB की NVMe SSD जो है आपको स्टोरेज इस लैपटॉप में मिलती है, जो कि सेम मेरे लैपटॉप में भी है, जो कि इससे काफी ज्यादा कॉस्टली है। तो इस चीज के लिए हमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर लेनी चाहिए, तो वो एक बेहतरीन चीज होता है, क्योंकि 512GB की SSD अगर आपकी हो गई तो वो लगभग 4 गुना ज्यादा फास्ट परफॉर्मेंस देगी आपको हार्ड डिस्क के मुकाबले। तो जैसे कि इस लैपटॉप के साथ में अपने को प्रोसेसर i7 मिलता है, तो यहां पर अपने को GPU मिलता है NVIDIA का 4GB GeForce 1650, क्योंकि प्रोसेसर ऊपर का हो गया तो प्रोसेसर जो है काफी ज्यादा काम करेगा और GPU जो है उतना यूज में नहीं आएगा, प्रोसेसर संभाल लेगा, तो इस वजह से 1650 इसका मच बेटर है 1650 Ti से, जिनमें i5 था, क्योंकि इसमें i7 है। और एक और खास बात यह है कि जो रिफ्रेश रेट है भाई इस लैपटॉप का वो है 144 Hz, सबसे बेहतरीन सबसे फास्ट लैगिंग फ्री जो लैपटॉप होने वाला है वो ये होने वाला है, बहुत बेहतरीन लैपटॉप है। और जैसे कि मैंने बताया कूलर बूस्टर मोड मिलता है, मतलब अगर आपका लैपटॉप गर्म हो जाता है कूलर बूस्टर ऑन कर दो पूरा एकदम ठंडा हो जाएगा, तो ये बहुत बेहतरीन फीचर है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई MSI के लैपटॉप में कूलर बूस्टर वाला सिस्टम। तो आप 1 मिनट ऑन करो पूरा लैपटॉप आपका नॉर्मल हो जाएगा, अगर कभी ज्यादा हीटिंग होती है ज्यादा लंबे टाइम तक गेम खेलते हैं तो बहुत ज्यादा काम आता है ये। बाकी स्टील सीरीज रेड बैकलाइट के साथ में आपको इसका कीबोर्ड मिलता है, दिखने में काफी बढ़िया लगता है। बाकी के प्रोडक्ट पे आपको 1 साल की वारंटी मिल रही, MSI के प्रोडक्ट पे भाई आप लोगों को 2 साल की वारंटी मिलती है। और वेट भी बाकी सारे लैपटॉप जितना ही है, लगभग 2.2 kg। और अगर प्राइस की बात करें इस लैपटॉप की, तो आज के डेट में इस लैपटॉप का प्राइस है 81,770 rupees, लगभग 81,500 के आसपास का ये लैपटॉप आपको पड़ेगा, बट बेहतरीन डील और सबसे बेस्ट डील है, मतलब तभी मैंने नंबर 1 पर रखा है इस लैपटॉप के। तो बेसिकली ये 5 लैपटॉप थे जो बेस्ट लैपटॉप है अंडर ₹70,000 to ₹80,000, जो कि सिर्फ गेमिंग या वीडियो एडिटिंग मतलब हाई एंड कामों के लिए होने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, बट उनको हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, हमारी तरफ से यही बेस्ट प्रोडक्ट है जो आप लोगों को परचेज करने चाहिए इस रेंज के अंदर, और आपको किसी भी तरीके में दिक्कत नहीं देंगे, भले वो सर्विस हो, परफॉर्मेंस हो, लुकिंग हो, या उस पे आपका काम करने का एक्सपीरियंस हो। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, हर एक प्रोडक्ट का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे लिंक से खरीदते हैं तो आपके प्राइस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपके इस चैनल को थोड़ी सी सपोर्ट जरूर मिल जाएगी, जिससे इस तरीके की वीडियोस आप लोगों के सामने लाने के लिए मदद मिलती है। ये वीडियो आप लोगों के सामने लाने का कारण ये है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप लोगों तक उस प्रोडक्ट की सही जानकारी लाने से हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि भाई पैसे लगते हैं, 70,000-80,000 रुपए लगाओ और कहीं ऐसी जगह लगा दो जिसका कोई मतलब ना हो। 80,000 रुपए लगा दो लैपटॉप का, मदरबोर्ड उड़ गया, फिर 50,000 रुपए उसमें लगाओ, तो क्या मतलब है इस चीज का। मेरे साथ में हुई है, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करनी है, प्लीज सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, साथ साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को भी। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, डाउट हो, कमेंट कर दो, या आप मुझसे इंस्टाग्राम पे 1-on-1 बात कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको यहीं कहीं पे दिख रहा होगा। तो इसके अलावा और कोई वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए उस टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे, वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं इस तरीके की किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।